नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जेतपुर। इस वीडियो में हम क्लास सिक्स के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फोर व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, यानी कि जो पुस्तक और जो ब्यूरियल्स ये होती है कब्र ग्रेवयार्ड, ये हमें क्या क्या कहानियाँ बताते हैं, जो एंशेंट एरा में जो ऐसे जैसे ये इस टाइप की ब्यूरियल्स मिली थी इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, और जो बुक्स होती है उनसे भी हमें क्या जानकारी मिलती है। इस चैप्टर में हम उनको स्टडी करेंगे। तो हमारे जो चैप्टर में जो टॉपिक रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे कि सबसे पहला जो टॉपिक होगा वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। तो इसमें हम ऋग्वेद और जो चार वेद बने थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हिस्टोरियंस है ना, है ना, जो हिस्टोरियन है वो कैसे ऋग्वेद को स्टडी करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ऋग्वेदिक जो पीरियड था या वैदिक कल्चर जब था उस समय में कैटल्स, हॉर्सेज और जो चैरियट्स थे इनका क्या इम्पोर्टेंस था, इसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो वैदिक कल्चर था, वैदिक कल्चर के दौरान जो वर्ड्स हैं वो किस तरीके से लोगों को उस समय की जो सोसाइटी है उसको डिस्क्राइब करते थे उसको स्टडी करेंगे। तो ये जो चार टॉपिक होंगे हमारे, ये चारों टॉपिक ही वैदिक कल्चर से रिलेटेड होंगे, जबकि हमारा जो टॉपिक नंबर फाइव, टॉपिक नंबर सिक्स और टॉपिक नंबर सेवन ये होगा मेघालिथ से। मेगालिथ का मतलब होता है महापाषाण, यानी जो बड़े बड़े पत्थरों का जो यूज किया गया है ब्यूरियल्स में, ये देखिए कब्र में बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया गया था। मेगा का मतलब होता है बिग और लिथ्स का मतलब होता है पाषाण या स्टोन। तो जो लास्ट के तीन टॉपिक होंगे हमारे वो किससे रिलेटेड होंगे, मेगालिथ से। इसमें जो पहला होगा वो स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स होगा। सेकेंड में हम केस स्टडी लेंगे इनाम गाँव की, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्यूपेशन क्या था इनाम गांव में रहने वाले लोगों का। ठीक, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, क्लास सिक्स की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, जो बुक है वो साथ में होनी चाहिए, साथ ही साथ में वीडियो को पॉज करके जो डिटेल लिखी हुई है इसमें इसको आप पढ़ लीजिए। हिस्ट्री का हमारा ये फोर्थ चैप्टर है। इससे पहले हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ा था हिस्ट्री का, उसके बाद सेकंड चैप्टर में हमने जो स्टोन एज थी उसको स्टडी किया था, जिसमें हमने पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूओलिथिक एज को स्टडी किया था। फिर जो थर्ड चैप्टर था हमने उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी किया था, जो कि इससे पहले जो वीडियोज़ है ना उसमें आपको मिल जाएगा। इस वाले चैप्टर में, इस वाली वीडियो में हम वैदिक पीरियड और उसके जो पैरेलल जो दूसरी कल्चर चल रहे थे उसको स्टडी करेंगे। तो देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पैलियोलिथिक जो एज थी वो 12,000 साल से लेके 20 लाख साल पहले तक थी। फिर उसके बाद 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक मेसोलिथिक एज रही और फिर न्योलिथिक एज आई। लिथिक का मतलब होता है पहाड़, पत्थर, स्टोन, और पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, है ना। तो ये हो गया पूरा पाषाण। मेशो का मतलब होता है मिडिल यानी मध्य पाषाण, और न्यू का मतलब होता है न्यू। तो ये हो गया न्यू स्टोन एज। इस टाइम पीरियड में हंटर्स और गेदर्स थे। इस टाइम पीरियड में जो लोग थे ना वो फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट करी और यहाँ से वो सेटल्ड लाइफ इस्टेब्लिश हुई। फिर उसके बाद आज से 4700 साल पहले, 4700 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी। क्या थी? पहली अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक, जस्ट अर्बन सिविलाइजेशन का जब एंड हुआ आज से 3900 साल पहले, जब अर्बन सिविलाइजेशन का एंड हुआ तो आज से 3500 साल पहले, 3500 साल पहले वैदिक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में हम वैदिक पीरियड को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ में मेसोलिथ जो था, पाषाण जो एज थी वो पैरेलल चल रही थी। देखो एक एज तो स्टोन एज ये चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ में भारत के जैसे जो भारत का ये वाला पार्ट है यहाँ पे तो वैदिक पीरियड चल रहा था, लेकिन जो भारत के दूसरे पार्ट थे ना वहाँ पे अभी भी स्टोन एज ही थी, लेकिन वो बड़े बड़े पहाड़ और पत्थरों का यूज करते थे वो लोग। तो इस कारण से उसको क्या कहा जाता है, मेसोलिथिक एज। ठीक, तो इस चैप्टर में हम वैदिक पीरियड और मेसोलिथिक एज को स्टडी करेंगे। सो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो देखो आज से 3000 साल पहले, है ना, आज से 3000 साल पहले सबसे पहले वेदाज को लिखा गया। देखो वेदाज का मतलब ही होता है नॉलेज, जो वेद होते हैं ना, हिंदी में वेद, इंग्लिश में वेदाज, तो जो इसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। तो देखो चार प्रकार के वेद हैं,
जो ये क्या है, सिक्वेंस हैं, कौन सा कब बना है ना। तो सबसे पहले बना ऋग्वेद, ये आज से 3500 साल पहले बना, ठीक। ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है ये जो वेद था ना, पहला वेद, इसको ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं। जब ये वाला वेद बन रहा था ना, तो इसको कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड। और जब ये जो तीनों वेद बने, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसको कहा जाता है पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल, ठीक। तो देखो, दूसरे नंबर में जो वेद बना हुआ था सामवेद, सामवेद संस्कृत के समन से निकला है, जिसका मतलब होता है सॉन्ग, यानी संगीत की ज्ञान प्राप्त कराने वाला वेद। साम का मतलब क्या हो गया, संगीत की जो जानकारी देता है वो वेद। इसके बाद है यजुर्वेद, यजुज संस्कृत से निकला है, जिसका मतलब होता है वर्शिप, यानी पूजा अर्चना जो होती है ना, वर्शिप जो होती है ना, उसका ज्ञान कराने वाला वेद। इसके बाद जो थर्ड है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ना, अथर्ववेद अथर्ववंश से निकला है, जिसका मतलब होता है जादू टोना कर्मकांड। जो जादू टोना होते हैं ना, वो कि उसकी जो जानकारी देता है वो कौन सा वेद है, अथर्ववेद। तो इस प्रकार से कितने वेद हो गए हमारे, चार वेद हो गए। और ये कब कंपोज हुए, आज से 3500 साल पहले। तो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट बुक है, ठीक। अब देखो, ये जो ओल्डेस्ट बुक है ना, इनकी क्या खासियत है, तो देखो इसमें कहीं, ये जो ओल्डेस्ट बुक है ना, इनमें प्रार्थनाएँ जो हाइम्स थी ना, जो स्तुतियाँ थी, उनको कंपोज किया गया किसके द्वारा, ऋषिज के द्वारा, जो सागास थे ना, या ऋषिज थे, उनके द्वारा इनको कंपोज किया गया है। और पता है, जो प्रिस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे ना, ये अपने स्टूडेंट्स को, ये जो टीचर होते थे ना, अपने स्टूडेंट्स को ये मेमोराइज करवाते थे। ये लंबे समय तक मेमोराइज ही करवाए गए, इसमें जितनी भी हाइम्स थी ना, इनको मेमोराइज किया जाता था, इनको लिखा नहीं जाता था। फिर देखो, इसके अलावा जो हाइम्स थी ना, मोस्ट ऑफ हाइम्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए होती थी, इसमें महिलाएं इसको सीख नहीं सकती थी। हालांकि कुछ महिलाओं ने भी जो वेदाज है उनको लर्न किया था, सीखा था, ठीक। और देखो, इसमें स्पेशली तीन गॉड्स, जो ऋग्वेद है ना, सबसे बड़ा जो ऋग्वेदिक जो पीरियड है, यानी जो पहला वेद जब बना, ये वाला वेद ऋग्वेद, तो इस ऋग्वेद पीरियड में तीन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो देवता थे ना, जो गॉड्स थे ना, वो थे अग्नि, जो कि गॉड ऑफ फायर था। सेकेंड नंबर में था अ वॉरियर ऑफ गॉड, जो इंद्र थे ना, वो कौन थे, युद्ध के देवता। और लास्ट में थे सोम, जो कि एक स्पेशल ड्रिंक थी, है ना, एक प्लांट था सोम, तो उसके लिए स्पेशल ड्रिंक का एक प्लांट हुआ करता था, तो उसकी भी पूजा जो वैदिक पीरियड के लोग थे वो करते थे। इसके बाद देखो, जो वेद लिखे गए हैं ना, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ये सभी वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन जो संस्कृत आज हम बोलते हैं ना, ये संस्कृत थोड़ी उससे अलग थी। और देखो, सभी लैंग्वेज की फैमिलीज होती है ना, हर लैंग्वेज की एक फैमिली होती है। जैसे जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, तो जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, इसकी फैमिली है इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी इसको इंडिया और यूरोप में बोला जाता था। इसके अलावा, इसके बाद देखो, ये अदर फैमिलीज भी है, जैसे तिब्बतन बर्मन फैमिली है, इसमें जितने भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का भाग है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, तो यहाँ पर इस फैमिली की लैंग्वेज बोली जाती है। द्रविड़ फैमिली, इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये लैंग्वेज बोली जाती है। ऐसे ऑस्ट्रो एसेटिक फैमिली है, जो झारखंड में जो आदिवासी ट्राइबल्स लोग हैं ना, वो इस फैमिली की लैंग्वेज को बोलते हैं। तो सभी लैंग्वेज की अपनी अपनी फैमिली होती है। जैसे संस्कृत की कौन सी फैमिली से है, संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली से। तो देखो, भारत की कई सारी लैंग्वेज, जैसे आसमीज, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी, ये जो लैंग्वेज है ना, ये इसी फैमिली की है। साथ ही साथ में यूरोप में इंग्लिश, फ्रांस, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश जो लैंग्वेज है ना, वो भी सेम फैमिली से है, जिससे संस्कृत है। तो देखो, इससे पता कैसे लगता है कि सेम फैमिली से, देखो इससे पता इस तरीके से लगता है, जैसे मातृ शब्द है, ये संस्कृत का है, इसका मतलब मदर होता है। हिंदी में इसको माँ कहेंगे और इंग्लिश में मदर हो जाएगा। इसी तरीके से पितृ, पिता और फादर, तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन है ना, जो एक लिंक है ना, वो जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या होती है, एक फैमिली होती है। इसी तरीके से देखो, दूसरी जो फैमिलीज है, जो सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती है इंडिया में, तो देखो जैसे ये इंडिया में तिब्बतन बर्मन फैमिली की जो लैंग्वेज है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, वो बोलते हैं इसको। नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेज है ना, उसमें जैसे ये जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, इसमें तिब्बतन रीजन की जो फैमिली की जो लैंग्वेज है उसको बोला जाता है।
इसके अलावा ये जो साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो लैंग्वेज बोली जाती है द्रविड़ फैमिली से है, जबकि जो मिडिल इंडिया है, मिडिल इंडिया में झारखंड छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल रीजन है ना, वहाँ पे आज भी इंडो ऑस्ट्रियन लैंग्वेज को बोला जाता है। तो देखो, लैंग्वेज से भी हमें पता लगता है कि इंसान का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ का था, है ना। लैंग्वेज के बेसिस पे भी हम पता लगाते हैं कि उसका ओरिजिन क्या था। ठीक, तो इस प्रकार से लैंग्वेज फैमिली हमारी हो गई। अब देखो, जो हिस्टोरियंस है ना, वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं, या फिर देखो उसमें देखो, जैसे मान लो ऋग्वेद में क्या बनाई गई है, हाइम्स। हाइम्स मतलब कई सारे देवताओं की पूजा अर्चना उसमें की गई है। तो जैसे इसमें एक डायलॉग है विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में, है ना, एक डायलॉग है किसके बीच में, विश्वामित्र के और रिवर्स के बीच में। तो जब डायलॉग होता है तो जो विश्वामित्र है ना, वो टू स्विफ्ट हॉर्सेज की बात करते हैं, यानी दो तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों की तुलना करते हैं नदी से। इसके अलावा एक जो गाय अपने बच्चे को जो चाट रही है ना, तो उसकी तुलना करते हैं नदियों से। साथ ही साथ में वो है ना, वो जो इंद्र देवता है उसकी पावर के बारे में भी बताते हैं। इसके अलावा वो कई सारी चीज़ें जो है ना, उसके बारे में विश्वामित्र उस ज्योग्राफिकल जो रीजन है ना, उसके बारे में डिटेल देते हैं। तो हिस्टोरियन पता है उससे कैसे पता लगाते हैं, उससे सबसे पहले वो ऐसे पता लगाते हैं कि वो ज्योग्राफिकली कौन सा रीजन था। जैसे जो नदियों की बात चल रही है, तो ये नदियाँ कहाँ की थी, तो इससे हिस्टोरियन को पता लगता है कि हाँ, ये नदियाँ इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, उसके आसपास की रिवर्स की इसमें विश्वामित्र बात कर रहे हैं। इसके अलावा टू स्विफ्ट हॉर्सेज, तो हॉर्सेज की बात करें तो इसका मतलब क्या है, उस समय की जो सोसाइटी में है ना, उसमें हॉर्सेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। इसी तरीके से जो काउस है, काउस की बात कर रहे हैं तो काउस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा। इंद्र की बात करी गई है तो इंद्र पक्का कोई बड़ा देवता था, है ना। चैरियट्स की बात की गई है तो मतलब वो रथों का भी यूज करते थे। तो इस तरीके से जो उस समय के एनिमल्स, उस समय के जानवर, उस समय की सोसाइटी, उस समय का ज्योग्राफिकल रीजन जो होता है ना, इसी बेसिस पे जो हिस्टोरियंस है ना, वो स्टडी करके पता करते हैं। अब देखो, ये जो ऋग्वेदिक जो पीरियड था ना, इस पीरियड में जो जितने भी ये जो हाइम्स थी, है ना, ये जो रचनाएँ थी या स्तुतियाँ थी, इसमें ज़्यादातर जो रिवर्स थी ना, उसमें इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज। देखो यहाँ पे, ये जैसे ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी की झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, व्यास, ये नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो इनको ज़्यादा मेंशन किया गया है इस जगह की नदियों को। हालांकि गंगा और यमुना को भी एक ही बार मेंशन किया गया है, गंगा यमुना को सिर्फ एक ही बार मेंशन किया गया है, लेकिन सरस्वती, इंडस रिवर, इनको कई ज़्यादा बार मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि उनके लिए कौन सी रिवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इंडस और उसके आसपास की नदियाँ, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो जो इसका मतलब ये निकलता है कि ऋग्वेदिक जो पीरियड था ना, यानी जो ऋग्वेदिक कल्चर था, उसकी शुरुआत इन नदियों के बैंक में हुई थी, इनके किनारों में उस कल्चर की शुरुआत हुई थी। और देखो, एक तरफ तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। क्या थी वो? अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। लेकिन जो ऋग्वेदिक जो सिविलाइजेशन थी ना, जो कल्चर था ना, ये रूरल था, ये गांवों में इस्टेब्लिश हुआ। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ ये कल्चर? गांवों में इस्टेब्लिश हुआ। तो इस बेसिस पे जो हिस्टोरियन है ना, वो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ठीक, अब देखो, कैटल मतलब जानवर, हॉर्सेज, चैरियट्स। हॉर्स वर बर्डन टू चैरियट्स एंड यूटिलाइज एज अ पार्ट ऑफ फाइट। जो हॉर्स थे ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था फाइट्स में, ठीक है ना। इसके अलावा ऋग्वेद में कई सारे कैटल्स और जो चिल्ड्रंस थे, जो हॉर्सेस थे, उनकी भी प्रेयर्स हैं। मतलब किस प्रकार से ऋग्वेद में इस प्रकार की प्रेयर्स हैं कि जो उनके जानवर हैं वो उनको मिल जाएं, इसके अलावा उनको अच्छे बच्चे, मतलब उनको संतान की प्राप्ति हो, तो मतलब उनको पुत्र प्राप्ति हो, तो इसकी भी उसमें है। इसके अलावा अच्छे घोड़े उनको मिले, तो इस प्रकार की हाइम्स भी उसमें मिली है ऋग्वेद में। तो वहाँ की जो सोसाइटी थी ना, उसमें कैटल्स का और चिल्ड्रन में भी स्पेशली सन का, और जो हॉर्सेस थे ना, उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। घोड़ों का प्रयोग वो जो रथ थे उसको खींचने के लिए करते थे। इसके अलावा बैटल्स में भी जाते थे घोड़े लेके, ताकि वो जो कैटल थे ना, काऊ, देखो काऊ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें, तो जो काऊ थी ना, उसको लाने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए ये युद्ध लड़ते थे। इसके अलावा ज़मीन के लिए भी ये लोग युद्ध लड़ते थे, भाई इनको ज़मीन मिल जाए, है ना। और उस समय की जो था ना वाटर के लिए फाइट करते थे, लोगों को भी ये कैप्चर करते थे, है ना, उनको गुलाम बनाते थे। तो इस प्रकार से ये जो लोग थे ना,
अपनी लाइफ को जीते थे। और देखो आपको जोग्राफिकल रीजन याद रखना है, जो वैदिक कल्चर था ना वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा था, गंगा यमुना की तरफ वैदिक कल्चर नहीं था, गंगा यमुना की तरफ वैदिक कल्चर नहीं था, वैदिक कल्चर कहाँ था, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में। और देखो ये जो पूरा रीजन था ना एक प्रकार से काफ़ी रिच था, और जो रिच लोग हुआ करते थे सोसाइटी में वो यज्ञ करते थे, ये यज्ञ है ये इसको यज्ञ कहेंगे हम, है ना, ये जो एजनास है ना, एजनास को क्या पढ़ा जाएगा हिंदी में, यज्ञ। तो यज्ञ करते थे जो सोसाइटी के बड़े लोग होते थे ना, जो पुरोहित होते थे, जो पंडित होते थे, ठीक, तो यज्ञ भी करते थे और साथ साथ में जानवरों का सैक्रिफाइस भी करते थे, वो बलि भी देते थे जानवरों की, जिसमें वो किसी भी जो जानवर होते थे ना, ये जो इंडस वैली से इसके क्या बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, ये बलि भी देते थे और ये यज्ञ भी करते थे, ठीक। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं जिससे डिस्क्राइब होती है उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनका क्या ऑक्यूपेशन रहा था या उनकी क्या लाइफ थी। तो जैसे जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक राजा आया उसमें एक वर्ड, एक आया ब्राह्मण, तो ये जो वर्ड्स थे ना इससे ये पता लगता है कि सोसाइटी में क्या क्या पार्ट थे। जैसे राजा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है किसमें, राजन के रूप में ऋग्वेद में, तो इससे ये पता लगता है कि राजा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। इसके अलावा ब्राह्मण जो थे उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था, जो कि देखो जो ब्राह्मण थे ना दो टाइप में डिवाइड बताया गया है, तो जो पृष्ठ थे ना, जो पृष्ठ उनको ब्राह्मण कहा जाता था, और जो वॉरियर होते थे है ना, जो युद्ध लड़ते थे या फिर जो कबीले का जो सरदार होता था ना उसको राजा कहा जाता था। इसके अलावा देखो इनका ऑक्यूपेशन जो है उसका पता लगाया, एग्रीकल्चर करते थे ये, कैटल रियरिंग, रियरिंग का मतलब होता है पालन करना, कैटल मतलब होते हैं पशु, है ना, तो पशुओं का पालन करते थे। इसके अलावा चैरियट प्रोडक्शन, जो हल होते थे ना, हल क्या सॉरी जो रथ होते थे उनको बनाते थे, ज्वेलरी है ना, सेरेमिक्स और इन सब चीज़ों का भी ये क्या करते थे प्रोडक्शन, और मेटल वर्क के बारे में इनको नॉलेज थी। और देखो मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ, सबसे ख़ास बात ये थी कि जो वैदिक पीरियड के जो लोग थे ना इनको आयरन की जानकारी हो गई थी, इनको आयरन की सबसे पहले जानकारी वैदिक पीरियड के लोगों को ही हुई थी, इससे पहले कोई भी नहीं जानता था कि आयरन क्या होता है। यानी कि ना तो सिंधु सभ्यता के लोग जानते थे, ना पैलियोलिथिक, ना न्योलिथिक और ना ही मेसोलिथिक पीरियड के लोग आयरन के बारे में जानते थे। तो जो वैदिक लोग थे ना इनको आयरन की जानकारी हो गई थी, तो इन्हीं आयरन से ये क्या बनाते थे, अपने लिए चैरियट्स बनाते थे, है ना, इसी से वो अपने लिए तलवार बनाते थे, कुल्हाड़ी बनाते थे, अपने काम की दूसरी चीज़ें वो बनाते थे, ठीक। इसके अलावा एक वर्ड बार बार आया है, वो है दस्यु, वेद है ना उसमें एक वर्ड आता है दस्यु। तो देखो जो दस्यु लोग, उन लोगों को कहा गया है जो आर्यन नहीं है, जो वैदिक कल्चर था ना, वैदिक कल्चर में जिन लोगों ने वेद की रचना की, जिन लोगों ने वेदाज को कंपोज्ड किया, बनाया, लिखा, तो वो जितने भी लोग थे ना वो आर्यन कहते थे खुद को, वो क्या कहते थे अपने आप को, आर्यन, कि हम आर्यंस हैं, ठीक, क्या है वो, आर्यंस। लेकिन जिन लोगों को न तो संस्कृत आती थी, है ना, न तो संस्कृत आती थी, और जो लोग आर्यन नहीं थे, तो उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया है उन्होंने, दस्युज या दास, दासाज, है ना, तो उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया है, जो नॉन आर्यन लोग थे उनके लिए दासाज। तो जो वर्ड्स है ना इस तरीके से उनकी पॉलिटिकल लाइफ, ऑक्यूपेशन और जो उनमें दस्युज थे ना उनको डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, तो देखो मेगालिथ्स का मतलब होता है, देखो मेगा का मतलब होता है बिग, लिथ्स का मतलब होता है स्टोन, मेगा का मतलब क्या होता है बिग, और लिथ्स का मतलब होता है स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, तो मेगालिथ्स का होता है महापाषाण, यानी कि कहानी किसकी है, महापाषाण की। तो देखो भारत के इस पार्ट में तो वैदिक कल्चर था, है ना, इस पार्ट में तो क्या चल रहा था, वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर के पैरेलल इंडिया में मेगालिथ्स भी चल रहे थे, यानी कि भारत के कई सारे जो पार्ट्स थे ना उसमें वैदिक कल्चर के साथ साथ ये मेगालिथ्स भी चल रहे थे। तो देखो भारत के कौन कौन से रीजन में थे, दक्कन में थे, दक्कन ये जो रीजन है ना नर्मदा के नीचे का जो पूरा रीजन है ये, इसको दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है ना, साउथ इंडिया के पूरे पार्ट आ गए इसमें, है ना। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारा, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब कुछ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर आ गया, जम्मू कश्मीर के भी कुछ पार्ट इसमें थे। तो ये जो मेघालिथ्स पीरियड था ना कहाँ कहाँ था, जम्मू कश्मीर, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में, सेम टाइमिंग 3000 ईयर्स अगो। देखो वैदिक कल्चर की टाइमिंग भी यही है, आप वैदिक कल्चर को देखोगे ना, जब वैदिक कल्चर की आप टाइमिंग देखोगे
इसकी टाइमिंग भी देखो यही है, 3000 ईयर्स अगो आज से, तो उसी समय में मेघालित जो टाइम पीरियड था ना इंडिया में चल रहा था। ठीक, तो देखो एक बार कंफ्यूज मत होना, एक होता है मेसोलिथिक, एक होता है मेगोलिथिक। तो जो मेसोलिथिक होता है ना, इसको कहा जाता है मध्य पाषाण काल। मेसो का मतलब होता है मिडिल और मेगा का मतलब होता है बिग। देखो यहाँ पे क्लियर होगा आपको, इस इंडेक्स में देखो यहाँ पे आया है मेसोलिथ एज। तो आज से 12,000 साल पहले से लेके आज से 10,000 साल पहले जो एज थी ना उसको मेसोलिथिक एज बोला जाता है। लेकिन जो वैदिक पीरियड था ना, वैदिक पीरियड के पैरेलल जो स्टोन एज थी ना उसको मेगालिथिक एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? मेगालिथ एज बोला जाता है। ठीक, तो मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया था। देखो इसमें कब्र में देखो कितने बिग बिग काफ़ी बड़े बड़े स्टोन हैं, उनका यूज किया था। ये जो कब्र है ना, ये कब्र भी काफ़ी गहरी गहरी कब्रें बनाई है इन्होंने। ब्यूरियल्स का मतलब होता है कब्र, यानी जहाँ पे लोगों को गाड़ दिया जाता था मरने के बाद। ठीक है ना, तो ये स्टोन वेज और जो वैदिक एज है, देखो वैदिक एज तो इंडस और उसकी सहायक नदियों के आसपास थी, लेकिन जो मेगालिथिक एज थी ना ये साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में थी। ठीक, अब देखो स्टोरी ऑफ मेगालिथ, इसमें देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना इन्होंने कई सारी जगहों में डेड पैलेसेस ढूंढे जिसमें कई सारे लोगों को गाड़ा गया था, उनकी स्केल्टन मिली, उनके कंकाल मिले, है ना। देखो जहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता है ना उसको कहा जाता है सिस्ट। क्या कहा जाता है? सिस्ट, हिंदी में कहा जाता है कब्रगाह, कब्रगाह, है ना। तो यहाँ पे लोगों को गाड़ दिया जाता था। तो इसमें जो बड़े बड़े स्टोन यूज किए गए ना, ये स्टोन यूज किए गए हैं आज से 3000 साल पहले। उससे पहले बड़े स्टोन का यूज नहीं करते थे किसी भी कब्र में, जो सिस्ट होती थी ना उसमें बड़े बड़े स्टोन का यूज नहीं किया जाता था, इसीलिए इसको मेगालिथ कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा ब्रह्मगिरी एक स्थान है इंडिया में, है ना, ब्रह्मगिरी इंडिया में एक जगह है। ये देखो कुरनूल केव्स के जस्ट नीचे ये रही ब्रह्मगिरी, है ना। ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? कुरनूल केव्स के जस्ट नीचे, है ना, ठीक आंध्र प्रदेश में है ये ब्रह्मगिरी। ठीक, तो यहाँ पे ऐसी ही स्केल्टन मिली है और वहाँ पे एक व्यक्ति जो उसमें गाड़ा गया था ना उसके साथ 33 तो गोल्ड्स के डोट मिले हैं, यानी एक वो इतना अमीर आदमी था कि उसके साथ 33 जो गोल्ड थे ना उसके बीड्स मिले, मनके मिले, माला के, है ना। इसके अलावा तो 2 स्टोन गोल्ड्स मिले और फिर और भी कई सारी चीज़ें उसके साथ मिली, एक पोर्ट मिला। तो जैसे लोगों को जब गाड़ा जाता था ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ गाड़ दिया जाता था। लोग ऐसा यकीन करते थे उस समय में कि इस दुनिया में तो ये चीज़ें इसके काम आ ही रही है, लेकिन जब मर जाएगा ना तो जब दूसरी दुनिया में जाएगा तो वहाँ भी ये चीज़ें इसकी है, ऋषि के काम आएगी। तो जब उसको गाड़ देते ना तो उसके साथ इन चीज़ों को गाड़ दिया जाता था। ठीक, तो ये हो गए हमारी स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। इसके बाद देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आयरन का यूज बिल्कुल भी नहीं होता था इंडस वैली या हड़प्पन सिटीज़ में, बिल्कुल भी वो आयरन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आयरन की जो खोज हुई ना वो कौन से पीरियड में हुई है? वैदिक पीरियड में और मेघालित पीरियड में। इससे पहले आयरन के बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो ये जो देखो डैगर, लोहे का बना हुआ डैगर मिला है इस पीरियड में, एक्सेस मिली है, ये कुल्हाड़ियाँ हैं, है ना, ये घोड़े की नाल है, घोड़ा जो होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए घोड़े की नाल मिली है। साथ ही साथ में कुछ कब्रों में जो घोड़े हैं ना उनके कंकाल मिले हैं, कब के? वैदिक पीरियड के। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी घोड़े के कंकाल नहीं मिले हैं, स्केल्टन नहीं मिले हैं। जो घोड़े के कंकाल और जो स्केल्टन है ना वो कब जाके मिल रहे हैं? वैदिक पीरियड में आके, यानी घोड़े का इम्पोर्टेंस वैदिक पीरियड में इंडिया में हुआ और आयरन की खोज भी वैदिक पीरियड में ही इंडिया में हुई। क्लियर, ओके। अब देखो स्पेशल जो ब्यूरियल्स थी ना एट इमाम गांव, तो यहाँ केस स्टडी लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनाम गांव को देखते हैं। देखो महाराष्ट्र में ये जो गोदावरी रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर के किनारे में इनाम गांव है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जस्ट मुंबई के नीचे। देखो ये रहा इनाम गांव। तो यहाँ के केस स्टडी लेते हैं, ये मेघालिथिक एक साइट्स है। तो देखो जो गोड रिवर है ना, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पे यहाँ पे एक गांव डेवलप हुआ 3600 साल से लेकर 2700 साल पहले तक। तो यहाँ पे जो लोगों की क्या मिली है? ब्यूरियल्स मिली है। तो लोगों को जब गाड़ा जाता था ना तो उसका जो सिर होता था, जैसे ये जो सिर है
और ये पैर है, तो उसका सिर हमेशा नॉर्थ की तरफ होता था, और जो पैर होते थे ना वो साउथ की तरफ उसके पैरों को रखा जाता था। और उसके साथ कई सारी चीज़ें रख दी जाती थी, फूड रखा जाता था, वाटर रखा जाता था, है ना, और उसके जो दूसरे ज़रूरी सामान थे ना वो भी इसके साथ रख दिया जाता था। इनाम गाँव में एक जगह क्या मिला, 5 रूम वाला एक मकान जिसमें एक कोर्ट यार्ड भी था, एक आंगन भी था, तो उसमें एक आदमी को दफनाया गया है, और वो गांव के बीचों बीच था बिल्कुल, जो सेंटर में था वो सेटलमेंट में। तो इससे ये पता लगता है कि वो एक गांव का चीफ रहा होगा, तो उसको गांव के बीचों बीच ही दफना दिया गया। गांव के बीचों बीच किसको दफना दिया गया, उसके चीफ को, इनाम गाँव में। तो देखो चीप कैसे होगा, वो चीप इसलिए कि देखो इतना बड़ा तो मकान, 5 कमरे हैं, एक आंगन है, और उसके साथ कई सारे सामान मिले हैं, और गांव के बीचों बीच सबसे ऊंचा मकान है, तो कंफर्म वो चीप ही रहा होगा उस गांव का, इसलिए उसको वहीं दफना दिया गया। साथ साथ में इन गांव में क्या मिली है, ग्रेनरी यानी अन्नानागार या फिर अन्न के भंडार, जहाँ पर अन्न को रखा जाता था, है ना, जहाँ पर स्टोर किया जाता था फूड आइटम को। ठीक, तो ये स्पेशल ब्यूरियल थे इनाम गाँव में। इसके बाद जो इनाम गांव के जो लोग थे उनके ऑक्यूपेशन क्या थे, तो देखो जो इनाम गांव ये रहा यहाँ पे, है ना, इनाम गांव के जो लोग थे ना वो वीट का प्रोडक्शन करते थे, बार्ली का प्रोडक्शन करते थे, राइस, पल्सेज, माइल्स, पीज, सीसम, इन सब का वो प्रोडक्शन करते थे, इसका मतलब वो फार्मिंग भी करते थे। इसके अलावा वो जो है ना एनिमल्स का, मतलब जो एनिमल थे ना उनको भी खाते थे। इसलिए कैसे पता लगा, क्योंकि उनकी बोन मिली। तो देखो वो कैटल, बफेलो, गॉड, सीप, डॉग, हॉर्स, एस मतलब गधा, पिग, सांभर, स्पॉटेड डीर, ब्लैक बक, ये कई सारे जो जीव थे, टर्टल, क्रेब, केकड़े, पिस, इन सब सारे जो जानवर हैं ना, इनके एविडेंस कहाँ पे मिले हैं, इनाम गांव में। तो इसका मतलब उनका जो ऑक्यूपेशन था ना वो एनिमल रियरिंग भी करते थे, मतलब जानवरों को पालते थे भी, और इसके अलावा खेती बाड़ी भी वो लोग करते थे, कहाँ के, इनाम गांव के। तो इस प्रकार से जो इनाम गांव के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब देखो चाइना में भी सेम उसी समय पे 3500 साल पहले, चाइना में भी, जो चाइना है ना उसको आपको एटलस में देखना है, चाइना में भी आज से 35 साल पहले, है ना, इसी तरीके से वहाँ पे भी जो लोग थे ना वो रहते थे, लेकिन वो राइटिंग करते थे। जैसे वैदिक कल्चर में हमने देखा ना, वैदिक कल्चर में जैसे ये हाइम्स लिखी गई है, ये वाली हाइम्स, उसी तरीके से जो चाइना था ना, चाइना में भी आज से साढ़े तीन हज़ार साल पहले चाइना में भी हाइम्स लिखी जाती थी अलग अलग, पर वो किस में लिखी जाती थी, वो लिखी जाती थी जानवर की बोन्स में, एनिमल की जो हड्डियाँ होती है ना उसमें उनको लिखा जाता था। ठीक, और उसको क्या करते थे, आग में फेंक देते थे, और फिर जैसे उसमें जो जितने क्रेक आते थे ना, उन क्रेक के बेसिस पे वो क्या करते थे, फोरकास्टिंग करते थे, भविष्यवाणी करते थे, फ्यूचर बताते थे, यानी प्रिडिक्ट करते थे किसको, फ्यूचर को। तो इस प्रकार से जो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने टाइमलाइन देखी, तो टाइमलाइन में हमने जाना कि हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर था उसमें हमने ये स्टोन एज को स्टडी किया, सॉरी सेकंड चैप्टर में स्टोन एज को स्टडी किया, थर्ड चैप्टर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी किया, और जो इस बार जो चैप्टर चल रहा है हमारा अभी फोर्थ, उसमें हम किसको स्टडी कर रहे हैं, वैदिक पीरियड और मेगालिथ को। तो हमने इसकी लोकेशन देखी, है ना, तो वैदिक कल्चर की जो लोकेशन थी ना वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास इसकी लोकेशन थी। 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। इसके बाद हमने जो जानना कि 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, अग्नि, इंद्र और सोम। इसके बाद हमने संस्कृत को जाना कि संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली की थी, जैसे मातृ संस्कृत में हो गया, हिंदी में माँ हो गया, और इंग्लिश में मदर हो गया। इसके अलावा तिब्बतन बर्मन फैमिली के बारे में जाना, द्रविड फैमिली के बारे में जाना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये लैंग्वेज कौन सी फैमिली से है, द्रविड़ फैमिली से, और संस्कृत से भी पुरानी फैमिली है ये द्रविड़ फैमिली, है ना। इसके बाद हमने जाना कि जो ऋग्वेद को किस प्रकार से जो हिस्टोरियंस है ना वो स्टडी करते हैं, तो इसमें देखा हमने घोड़े, रथ, काउ, जिसके आधार पे वो जानकारी जुटाते हैं, ट्रिब्यूटरीज जो रिवर है, और हमने ये भी जाना कि इंडस रिवर के आसपास ही वैदिक कल्चर था, न कि गंगा यमुना। गंगा यमुना का सिर्फ 2 बार ही जिक्र हुआ, 1-2 बार ही, है ना। ठीक, इसके बाद हमने कैटल्स के बारे में जाना, और हॉर्सेज और चैरेट्स का जो इंपॉर्टेंस था वैदिक कल्चर में इसको जाना। उसके बाद हमने इनकी पॉलिटिकल लाइफ, ऑक्यूपेशन और जो 10 यूज थे उसके बारे में जाना। हमने फिर इसके बाद मेगालिथ्स को जाना, मेगा मतलब बिग, लिथ्स का मतलब पाषाण या स्टोन, तो मेगालिथ्स का मतलब हो गया बिग स्टोन एज। ठीक है,
तो इसको हमने जाना। तो जैसे इसकी कई सारी साइट्स थी, जैसे साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में मेगालिथ साइट्स मिली हैं। जबकि देखो वैदिक पीरियड इंडस रिवर और उसके आसपास के रीजन में था, ठीक है ना। ये क्या पैरेलल चलते हैं, मेगालिथ और जो वैदिक कल्चर है ना, या जो ऋग्वेदिक कल्चर है, ये पैरेलल है। इनका एक दूसरे से ज़्यादा संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग। ये तो जो मेगालिथ है ना, ये तो अभी भी पत्थरों का यूज कर रहे हैं, पुराना जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने मेगालिथ की स्टोरी के बारे में जाना, तो इसमें ब्रह्मगिरी के बारे में जाना। ब्रह्मगिरी की लोकेशन हमने मैप में देखी, तो ब्रह्मगिरी की लोकेशन कहाँ पे, ये रही ब्रह्मगिरी की लोकेशन। इसके बाद हमने ये जाने, जैसे आयरन के बारे में इन लोगों को जानकारी थी, वैदिक कल्चर के जो लोग थे इनको आयरन की जानकारी थी, ये घोड़े का काफ़ी यूज करते थे। जबकि हड़प्पन लोगों को आयरन की न तो कोई जानकारी थी, न ही वो घोड़े का यूज करते थे। इसके बाद हमने जो इनाम गांव है, ये रहा इनाम गांव, इनाम गांव की स्पेशल लोकेशन देखी, और वहाँ पे आज से 3600 साल पहले है ना, जिस समय पे वैदिक कल्चर भी चल रहा था, कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो वहाँ पे भी जो मेघालिथ है ना उसका स्टार्ट हो चुका था। और इनाम गांव में हमने जाना कि इनाम गांव में जो लोगों को जब दफनाया जाता था उनका जो सिर होता था ना नॉर्थ की तरफ होता था, और एक चीप का भी वहाँ पे क्या मिला है, सौगा, या फिर इतनी बड़ी ब्यूरियल्स मिली है, एक चीप की ब्यूरियल मिली है कहाँ पे, इनाम गांव में। इतनी बड़ी ब्यूरियल्स कहाँ पे मिली है, इनाम गांव में। इनाम गांव के जो लोग थे वो जानवरों को भी पालते थे और वो एग्रीकल्चर का काम भी करते थे। इस प्रकार जो हमारा जो चैप्टर है वो इसके बाद हमने जो चाइना थी, चाइना के बारे में भी जाना। चाइना में भी जो लोग थे ना, बोन्स में उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, जो हड्डियाँ होती है ना जानवरों की, उसमें उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, तो इससे वो प्रिडिक्ट करते थे। जैसे वैदिक पीरियड जो है ना, वैदिक पीरियड में भी जैसे लिखना स्टार्ट किया गया था, ये देखो वैदिक पीरियड में भी लिखना स्टार्ट किया गया था, उसी तरीके से चाइना में भी आज से 3500 साल पहले रिटन एविडेंस मिलना स्टार्ट हो गए थे। इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल अस, वो कंप्लीट हो जाता है। बुक्स में यहाँ हम देखा कि जो ऋग्वेद है ना उसके बारे में हमने जाना, और जो ब्यूरल्स थी ना वो मेघालिथ के बारे में जाना। ब्यूरल्स का मतलब होता है कब्र, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।